मतर आप देख रहे हैं खबर बिहार। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद लगातार जारी है, सरकार इस पर वाहवाही ले रही है तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इसका प्रमाण है कि इस परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक धांधली हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास भेज रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जेडीयू पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि जीतनराम मांझी ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि मेरे पास इसे साबित करने के लिए कई प्रमाण हैं। तो हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण का जिस ही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, कि दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अजोग पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ तो अयोग पाए गए थे उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो अयोग पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया जो। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिया। ये भी प्रमाण है। आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, आप कितने अनुपस्थित हैं और कितना अनुपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी जो पाया गया है। नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फार्म भरा जाता है, जिनका फार्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है कि सभी लड़का उसमें सब पासे कर जाए? इसका मतलब है कि सेंटर मैनेज था, और मैनेज का मतलब है कि पैसा दे करके लोग मैनेज किए हैं, तो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो तब मैनेज नहीं हुआ होगा, वो असफल हो जाएगा। तो इस तरह की धांधलियाँ हुई है, इसलिए पूरा प्रमाण पत्र के साथ हम बोले हैं। और जो कह रहे हैं कि प्रमाण की बात है, तो हमारे हाथ में दस्तावेज है, ये दस्तावेज हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज रहे हैं, वो उससे प्राप्त कर लें और संतुष्ट हो। और वहीं इस सवाल पर बिहार में सियासी घमासान मचा है, कई दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपको सुनाते हैं। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं वो तो कैश फॉर जॉब नाम के स्कैम का एक पार्ट है। बिहार में अभी एक बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला चल रहा है। लालू प्रसाद यादव का सरकार में साथ आने का ही मतलब है कि बिहार में घोटालों का एक नया घोटाला होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ घोटालों की सीरीज का ये एक घोटाला है, कैश फॉर जॉब स्कैम। BPSC इतने कम समय में तकरीबन 7 लाख लोगों की परीक्षा ठीक तरीके से कराने का दावा कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, बिहार मॉडल की सराहना भी हो रही है। लेकिन इन सबके बीच बिहार में जो लोग विपक्ष में हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों या हम पार्टी के जीतनराम मांझी जी हों, अपने बयानों से अपने जलन के भाव को प्रदर्शित करते हैं। अगर गड़बड़ी के कोई तथ्य, कोई सबूत उनके पास हैं तो प्रस्तुत करें, अन्यथा ऊल जलूल बयानों से जनता के बीच अपनी ही छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी बहुत मैच्योर आदमी हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरह का हल्का बयान नहीं देना चाहिए। इसलिए एक मैं कह रहा हूं कि पहली बार बिहार की सरकार ने इतना तेज़ी से बेरोजगारों की समस्या, जो सबसे बड़ी प्रबल समस्या थी, उसको दूर करने का, रोजगार देने का, यानी एक कदम उठाई है। और जो BPSC का जो सेटअप है, कह रहा है
उस पर इतना लोड बढ़ गया है, इतना लोड बढ़ गया है, इतना तेज़ी से वैकेंसी निकाल करके और इतना जल्दी में नियुक्ति करना पड़ रहा है कि उसमें एक दो केस विसंगतियां हो सकती है। माझी जी कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है तो उधर मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए सबूत के साथ। निश्चित तौर पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है इस पर कार्रवाई की जाएगी। बयान देने और सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता ना। माझी जी को सिर्फ अपने बयानों के लिए कुछ कह देना, हमारे पास सबूत है, सबूत है तो सबूत उनको दिखाना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए क्या सबूत हुआ है। अब वो जब से NDA में गए उनको लगता है कुछ कुछ खिलाफ हम बोलते रहें तो बोल रहे हैं, प्रमाण है तो फिर बोल क्यों रहे, दिखाइए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, JD हो या फिर सरकार में सहयोगी पार्टियां, सभी जीतन राम मांझी से प्रमाण मांग रहे थे और अब जीतन राम मांझी ने प्रमाण पेश कर दिया है। वो कह रहे हैं उनके पास प्रमाण है और वो BPSC को भेजेंगे, तो अब क्या कहेंगी ये राजनीतिक पार्टियां जो मिलकर सरकार चला रही हैं? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां सरकार चला रही है, जो गठबंधन सरकार चला रही है, वो साफ तौर पर जो है अब जो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है माझी जी पर जो है थोपने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि देखिए इस तरह से बयान वो दे रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, क्या है कैसे है। लेकिन देखिए, एक हुआ कि बात को टालना और कहीं ना कहीं जो है वो बात को टालने में लगे हैं। लेकिन जीतनराम मांझी ने जिस तरह से आवाज़ उठाया और जिस तरह से तमाम पेपर को लेकर वो सामने आ गए और वो तमाम पेपर को उन अधिकारियों को भेजने जा रहे हैं जिन अधिकारियों से उनका जो है कहीं ना कहीं जो है उनको उन्हीं अधिकारियों को ये तमाम चीज़ों को देखना है। तो BPSC के जो चेयरमैन हैं उनको भेजने जा रहे हैं, KK पाठक जो हैं उनको भेजने जा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं अधिकारी हैं उनको भेजने जा रहे हैं और खास करके शिक्षा मंत्री को भेजने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजने जा रहे हैं, तो तमाम लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन जीतनराम मांझी ने एक तरह से देखा जाए जिस तरह से परिणाम घोषित हुए BPSC के और परिणाम घोषित होने के बाद जिस तरह से कई खामियों को लेकर साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि कई खामियां हैं और उसको लेकर और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सामने आई और उसके बाद जीतनराम मांझी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और मास्टर स्ट्रोक में जो है जीतनराम मांझी सफल होते दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार खुल के जो है जीतनराम मांझी का किस तरह से जवाब देती है। जी रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जीतनराम मांझी ने अब प्रमाण के साथ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी जो भी प्रूफ इनके पास पड़े हुए हैं उन प्रूफ्स को वो BPSC को भेजेंगे और फिर जांच की मांग करेंगे। लेकिन अब भी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो या फिर JD हो, वो ये कह रही हैं कि अगर जीतनराम मांझी के पास प्रमाण है तो वो पेश करें, दिखाएं, सिर्फ ये ना कहें कि उनके पास प्रमाण है।